Hello everybody, a warm welcome to all. How are you all? I hope everybody is good. So friends, our today's topic is tenses. जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम इसके टाइप्स को स्टडी करेंगे, इसके रूल्स को स्टडी करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेंसेस की. ठीक है, कि टेंसेस कितने टाइप के होते हैं. तो जनरली हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आपके जो टेंसेस होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं. ठीक है, एक आपके पास होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस. ठीक है, तीन टाइप के टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. अब इनमें क्या आता है वो भी देखते हैं. चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की. ठीक है, द एक्शंस विच आर डूइंग प्रेजेंटली आर क्लासिफाइड इन टू प्रेजेंट टेंस. जो एक्शंस आपके उसी टाइम पे हो रहे हैं वो वाले एक्शन आपके किस में आते हैं, आपके प्रेजेंट टेंस में आते हैं. जैसे कि ही इज ईटिंग पास्ता. ठीक है, ही इज ईटिंग पास्ता. अब यहाँ पे एक वर्ड आ चुका है ईटिंग, जो ये बता रहा है कि वो इस टाइम पे खा रहा है, अभी भी खा रहा है. ठीक है, मतलब प्रेजेंटली ही इज डूइंग दिस एक्शन ऑफ ईटिंग, मतलब इस टाइम पे वो क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है, ये वाला एक्शन वो शो कर रहा है. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट टेंस. ओके, अब बात करते हैं पास्ट टेंस की. द एक्शंस विच वी हैव ऑलरेडी डन आर क्लासिफाइड इन टू पास्ट टेंस. अब देखिए, जो एक्शन आपका हो चुका है पहले का, ठीक है, होके खत्म हो चुका है, वो एक्शन आपका किस में आता है, पास्ट टेंस में आता है. ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी डन, वो आपका किस में आएगा, पास्ट टेंस में आएगा. जैसे आपके पास एग्जाम्पल है यहाँ पे, ही एट पास्ता. अब यहाँ पे एट वर्ड आ चुका है. अब जो ये एट वर्ड है ये बता रहा है कि एक्शन हो चुका है. ठीक है, ही हैज ऑलरेडी डन द एक्शन ऑफ ईटिंग, मतलब वो पहले का जो पास्ता है वो खा चुका है. ठीक है, एट मतलब काम हो चुका है. ठीक है, सेकेंड फॉर्म यहाँ पे आ गई आपकी. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर. ओके, अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की. द एक्शन विच वी आर गोइंग टू डू, विल डू, आर प्लानिंग टू डू आर टर्म्ड एज फ्यूचर टेंसेस. ठीक है, अब देखिए, जो एक्शन आप करने वाले हैं, ठीक है, या आगे करेंगे या फिर प्लान कर रहे हैं कि एक्शन करेंगे, तो वो एक्शंस आपके किस में आते हैं, आपके फ्यूचर टेंस में आते हैं. ठीक है, वो एक्शन आपके फ्यूचर टेंस में आते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, ही विल ईट पास्ता. ओके, ही विल ईट पास्ता. अब देखिए, ही विल यहाँ पे आ चुका है. अब ये विल यहाँ पे आ चुका है, ये बता रहा है कि वो खाएगा. ठीक है, विल यहाँ पे आ गया है, मतलब वो खाएगा. तो ये फ्यूचर के एक एक्शन की प्लानिंग हो रही है यहाँ पे. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, ही इज डूइंग गोइंग टू डू द एक्शन ऑफ ईटिंग, मतलब वो ये एक्शन करने वाला है, खाने वाला. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे किसका यूज किया गया है, यहाँ पे विल का यूज किया गया है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस है, इसमें डिफरेंस क्या है. प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी का काम हो रहा है. ठीक है, पास्ट टेंस जो हो चुका है, और जो फ्यूचर वाला है जो मतलब आगे होने वाला है या आप प्लान कर रहे हो उसको करने के लिए. ठीक है, अब जो आपकी ये तीन टेंसेज हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अब ये भी आगे डिवाइड किए गए, इन सबकी आगे चार चार टाइप्स हैं. ठीक है, अब वो देखते हैं. ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपने प्रेजेंट टेंस की. ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस की टाइप्स कौन कौन सी है. प्रेजेंट टेंस की टाइप है यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, ये जो आपके पास है चार टाइप्स हैं आपके प्रेजेंट टेंस की. उसी तरह से आपके पास पास्ट की भी आ जाएंगी, वो भी देखते हैं. ओके, पास्ट की टाइप्स भी ऐसे ही है, पास्ट इनडेफिनेट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, इसकी भी सेम टाइप्स है आपके पास. आप देख सकते हैं सिर्फ आगे वाला जो नाम है वही चेंज हो रहा है, बाकी सारा का सारा सेम है. ओके, बाकी सारा का सारा सेम है. अब बात करें फ्यूचर की. यहाँ पे फ्यूचर देख सकते हैं आप, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसमें भी आप देख रहे हैं सिर्फ ये नाम चेंज हुआ, बाकी का सारा सेम है. ठीक है, सिर्फ जब आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, आप पास्ट की बात करेंगे यहाँ पे पास्ट होगा, और फ्यूचर की बात करेंगे यहाँ पे फ्यूचर होगा. ठीक है, अब इनके कुछ रूल्स हैं
कि जब आप एक सेंटेंस बनाएंगे उसको कैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में बनाना है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है किसी भी टाइप में, ठीक है, परफेक्ट में बना लीजिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना लीजिए, उसके लिए रूल्स रहते हैं, तो वो आपको लर्न करने पड़ेंगे कि उनका फॉर्मेट क्या होता है आपके टेंसेस का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। जब हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस की तो सबसे पहले यहां पे आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनेट, उसका फर्स्ट टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की जब बात करेंगे, जब भी आप इस पे कोई टेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, तो उस केस में आप देख सकते हैं आपको कौन कौन सी चीजें यूज करनी है। हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है, एस या फिर ईएस, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसके साथ एस या ईएस का यूज करना है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के उसके साथ एस या फिर ईएस का यूज करना है, ठीक है। तो और बाकी तो चीजें रहेंगी, सब्जेक्ट रहेगा सिंपल, उसके बाद आपके पास वर्ब भी आएगा और वर्ब के साथ आपको एस या ईएस का यूज करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। अब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात आ रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहते हैं कि वो काम अभी चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में है, ठीक है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है, सब्जेक्ट तो लगाना ही लगाना है, सब्जेक्ट के साथ आपको इज एम आर का यूज करना है। सब्जेक्ट से आपके पास आपको पता है कौन कौन से होते हैं, आई वी ही शी इट दे, ठीक है, इस टाइप के आपके पास सब्जेक्ट होते हैं। आई के साथ तो हमेशा एम का यूज होता है, सिंगुलर्स के साथ इज का यूज होगा, प्लूरल के साथ आपका आर का यूज होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, इज एम आर इनमें से एक का यूज करेंगे, देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है ऐसे वाले सेंटेंस में, और उसके साथ आपको आईएनजी, मतलब कॉन्टिन्यूटी को शो करने के लिए आपको क्या करना है, आईएनजी का यूज करना है, ठीक है। उसके लिए आपको आईएनजी का यूज यहाँ पे करना होगा। तो क्या रूल है इसका, इज एम आर इन तीनों में से एक, देन आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके। उसके बाद बात करते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जब बात करेंगे, मतलब ऐसा काम जो आपका हाल ही में परफेक्टली डन हुआ है, तो ऐसे काम के लिए आप लोग कभी भी सेंटेंस बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, या तो आप हैज हैव, मतलब जनरली आप लोग हैज हैव का यूज करेंगे यहाँ पे, हैज या हैव, सिंगुलर्स के लिए हैज और प्लूरल के लिए हैव, तो हम लोग हैज हैव का यूज करेंगे, प्लस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, वी वन वी टू वी थ्री, ऐसे वी फोर भी होते हैं आई एन जी वाली, तो जनरली हम लोग इसको ऐसे ही जानते हैं, वी वन वी टू एंड वी थ्री। तो इसमें आप क्या करेंगे, हैज हैव का यूज करेंगे, प्लस आप क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए जैसे आप इस पर एक सेंटेंस बना भी सकते हैं, जैसे आपके पास आती है गो की, गो वेंट गॉन, तीन फॉर्म्स आती हैं, गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म इसकी कौन सी आ रही है, गॉन। जैसे आप लिख सकते हैं ही हैज गॉन, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस बन गया, आपका ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब ऐसा काम जो परफेक्टली डन हुआ है और आगे चल भी रहा है, ठीक है। तो ऐसे काम के लिए आप क्या यूज करेंगे, आप हैज या हैव दोनों में से एक, मतलब सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, देन बीन, मतलब क्वांटिटी को शो करने के लिए आपको यहाँ पे बीन भी यूज करना पड़ेगा और आईएनजी भी करना पड़ेगा, ठीक है। देन वी वन प्लस आईएनजी, ये फॉर्मेट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए आपका फॉर्मेट है हैज हैव, हैज या हैव, बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी, ठीक है, ये फॉर्मेट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं अपने पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में भी हमारे पास फोर ही टाइप्स हैं, जैसे हमारे प्रेजेंट टेंस में थी पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो चलिए अब इसके रूल्स देखते हैं। जो आपके पास यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट आता है, सिंपली मतलब जो काम आपका पास्ट में हो चुका है, ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपली कौन सी वाली फॉर्म यूज करोगे, वर्ब की वी टू, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस की। अब देखिए यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में आप लोग क्या क्या यूज करते हैं, वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। वॉज वर आपको यहां से समझ में आ गया होगा, सिंगुलर्स के लिए वॉज और प्लूरल के लिए वर, ओके। वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी यहाँ पे भी क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है। उसके बाद बात आती है पास्ट परफेक्ट, मतलब जो आपका पास्ट में काम परफेक्टली डन हो चुका है, ठीक है, तो वो काम आपका किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग यूज करेंगे हैड का, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड का यूज करेंगे सबके साथ, चाहे वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट हो, आप उसके साथ हैड का यूज करेंगे, देन आप लोग उसके साथ वर्ब की
थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या रहता है, यहां पे भी आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स के साथ अपने हैड बीन का यूज करना है। हैड बीन का यूज किया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें भी फोर ही टाइप्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए पहले बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट की। फ्यूचर इंडेफिनेट सिंपली आ जाता है जो काम आपका फ्यूचर में होने वाला हो, मतलब होगा, ठीक है। उसमें आप लोग विल शैल का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। विल शैल में बच्चों को थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन सिंपली इसका रहता है आई के साथ हमेशा हम विल का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चीज जरूरी है वहां पे हम लोग शैल का यूज करते हैं। जनरली हम लोग मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में। उसके बाद बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस मतलब कॉन्टिन्यूटी भी शो होगी इन फ्यूचर में, तो उसके साथ हम लोग विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। विल वी, यहाँ पे जो वी और आईएनजी है ये दोनों कॉन्टिन्यूटी शो कर रहे हैं, ठीक है। क्या यूज करेंगे हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, विल वी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके। उसके बाद देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या है आपके पास, इसमें आपको विल हैव का यूज करना है, ठीक है। जो आपका इन फ्यूचर परफेक्टली डन होगा काम, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे हम लोग विल हैव का यूज करेंगे और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद बात आती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात है तो उस केस में आप लोग विल हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, दिस ट्रेन लीव्स एट 8 इन द मॉर्निंग, ठीक है। दिस ट्रेन लीव्स एट 8 इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे आपके वर्ब के साथ एस का यूज किया गया है, तो आपको पता है कि आपके रूल्स में कहाँ पे वर्ब के साथ एस का यूज किया गया है, आपके फर्स्ट रूल में, ठीक है। जो आपका किसका रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल है, तो इट मींस ये टेंस आपका कहां से है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, शी इज डूइंग हर होमवर्क। शी इज, तो इज है तो इट मींस कि इट्स अ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है, डूइंग आईएनजी भी लगा है तो कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, दैट मींस ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद है ही हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2014, ठीक है। ही हैज कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2014। अब देखिए ही का भी यूज किया गया है, हैज का भी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ चुकी है, तो ये फॉर्मेट आपका किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, ठीक है। तो इट मींस कि ये टेंस आपका किसको बिलोंग कर रहा है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बिलोंग कर रहा है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट की, रिया हैज बीन गोइंग टू डांस क्लास सिंस मार्च। अब देखिए हैज बीन भी आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो सिंपली आपका हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आपका किसमें यूज होता है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, दैट मींस कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट टेंस, रमन वेंट फॉर द मूवी यस्टरडे। अब देखिए वेंट, यहाँ पे वर्ब की सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज किया गया, बाकी तो सिंपल लैंग्वेज है यहाँ पे, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आपका यूज किया गया, तो आपको यहां से ही समझ आ गया होगा कि ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट का है, ठीक है। ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनेट का है, आई होप कि क्लियर हो गया। चलिए ऐसे टेंसेस को आपको पहचानना है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे है, शी वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही कॉल्ड हर, ठीक है। वॉज, अब वॉज वर्ब आपका पास्ट टेंस में यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो एट दैट मींस कि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस से है, सामने दिख रहा है कि आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस से है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ही हैड रेड दिस बुक, ठीक है। ही हैड रेड दिस बुक। अब देखिए यहां पे आपका हैड का यूज किया गया है, ठीक है, हैड भी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो इट मींस कि आपका कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। कौन सा टेंस है आपका, ये पास्ट परफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, ही हैड बीन प्लेइंग द चेस
ऑल मॉर्निंग, ठीक है, ही हैड बीन प्लेइंग द चेस ऑल मॉर्निंग. अब देखिए यहाँ पे हैड बीन का यूज किया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एड आई एन जी का, तो दैट मीन्स कि आपका कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये टेंस आपका कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शी विल कुक टुमारो. यहां पे आप देख सकते हैं विल का यूज किया गया और वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म ही है, तो विल लगा है तो सामने दिख रहा है कि फ्यूचर टेंस है, कुछ भी आगे मतलब फॉर्म वगैरह नहीं लगी है कोई भी वर्ब की, दैट मींस कि आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस. नेक्स्ट देखते हैं, ही विल बी गोइंग शिमला नेक्स्ट वीक. ओके, ही विल बी गोइंग शिमला नेक्स्ट वीक. अब विल भी आ गया यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ गया, तो दैट मींस यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी शो हो रही है, तो विल लगा है तो फ्यूचर टेंस है, कॉन्टिन्यूटी भी दिख रही है, तो दैट मींस कि ये कौन सा टेंस है आपका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट टेंस आपके पास यहाँ पे, शी विल हैव गॉन बाय द टाइम यू रीच हर होम. विल हैव का यूज किया गया है, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है. अब आपको पता है कि विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लोग फ्यूचर टेंस में कौन से वाले टेंस में यूज करते हैं, आप लोग फ्यूचर परफेक्ट में यूज करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो आपका टेंस है, सॉरी सेंटेंस है, ये आपका कौन से टेंस को बिलोंग करता है, आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिया विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स बाय द टाइम यू अराइव हेयर. अब देखिए विल हैव बीन का यूज किया गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है और आईएनजी भी है, ठीक है, वर्ब आपको पता है कि काम होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये फॉर्मेट जो आपका है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फॉर्मेट आपका किसका है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है, ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.